अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल रिदास सैलून ऑफिशियल। जी व्यूवर्स, आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं जी स्मोकी ब्लू ग्लिटर आई मेकअप। तो चलें जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया है जी मिस रोज़ का कंसीलर। अच्छी तरह से मैंने आईब्रोज़ को शेप देकर, मतलब कि वैसे ही कंसीलर से मैंने शेप देकर इसको अप्लाई किया है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। जी अप्लाई करने के बाद मैंने इस तरह के एक पफ की मदद से इसको अच्छी तरह से टैब इन मोशन में ब्लेंड किया है। कंसीलर को आप अच्छी तरह से टैप टैप करके ब्लेंड कर लें। कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद हम इस कंसीलर को लॉक करेंगे कम्पैक्ट पाउडर के साथ। इस तरह के फ्लफी ब्रश को मैंने यूज़ किया है कम्पैक्ट पाउडर लगाने के लिए। अच्छी तरह से कम्पैक्ट पाउडर से लॉक कर लें कंसीलर को। अब हम करेंगे जी अपनी क्रीज लाइन की ब्लेंडिंग। क्रीज लाइन की ब्लेंडिंग के लिए मैंने ये वाला पीच शेडो यूज़ किया है। इस तरह के फ्लफी ब्रश के साथ हम अच्छी तरह से क्रीज लाइन को ब्लेंड करेंगे। बहुत कम क्वांटिटी में कलर लेके आपने पहले क्रीज लाइन को ब्लेंड करना है। इस तरह से अच्छी तरह क्रीज लाइन और आउटर कॉर्नर को ब्लेंड कर लें। अब मैं ऑरेंजी पीच शेड यूज़ कर रही हूँ। दोबारा से मैं क्रीज लाइन को अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी उसी कलर के ऊपर। इस कलर को भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ जी ये वाला मेहरून शेड। इसको भी हमने क्रीज लाइन और आउटर कॉर्नर पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। इसको आपने आउटर कॉर्नर से क्रीज लाइन की तरफ ब्लेंड करना है। अब मैं ब्लैक कलर से आउटर कॉर्नर बनाऊंगी। ये वाला ब्रश मैंने यूज़ किया है आउटर कॉर्नर पर ब्लैक कलर लगाने के लिए। इस तरह से आपने आउटर कॉर्नर को शेप देना है ब्लैक कलर से। अच्छी तरह से लगाने के बाद मैं अपने फ्लफी ब्रश के साथ इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। उसी तरह से आउटर कॉर्नर से क्रीज लाइन की तरफ हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि कोई हार्श लाइन नज़र ना आए। ब्लेंडिंग के बाद मैं कंसीलर को इस तरह के ब्रश के साथ यूज़ कर रही हूँ कट क्रीज बनाने के लिए। इस तरह से हम फुल कट क्रीज बना लेंगे। बहुत ही ध्यान से आपने इस तरह से कट क्रीज की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अच्छी तरह से हमने कट क्रीज तैयार कर लिया है। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे जी ओपेरा का ब्लू शेड। ओपेरा के शेड्स बहुत ही अच्छे हैं और मैंने अपनी फिंगर से ही इसको जो हमने कट क्रीज बनाया था उस पर अप्लाई कर लिया है। इस कट क्रीज के अंदर अंदर रहकर ही हमने ब्लू शेड को अच्छी तरह से लगा लेना है। जी फिंगर से लगाने के बाद हम इस तरह के ब्रश के साथ जो हमारी लाइनिंग नज़र आ रही है उस पर भी हम अच्छी तरह से ब्लू शेड अप्लाई कर लेंगे। ये मैंने सारा ओपेरा का ही ब्लू शेड यूज़ किया है। अच्छी तरह से हमने पूरे कट क्रीज पर ब्लू शेड अप्लाई कर लिया है। अब हम यूज़ कर रहे हैं जी ये वाला चॉकलेट शेड आउटर कॉर्नर पर। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड कर देंगे। अब हम यूज़ कर रहे हैं जी हैंग फैंग का मस्कारा अपनी नेचुरल आईलैशेस पर, जो कि मैं बार बार बता चुकी हूँ बहुत अच्छा है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, फैलता नहीं है और बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। अच्छी तरह से अपनी नेचुरल आईलैशेस पर अप्लाई कर लें। अब हम यूज़ कर रहे हैं जी लाइनर। लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ जी ब्यूटी मॉडल का।
ये भी आपको किसी भी मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ही लो प्राइस में है ये भी। लाइनर से हमने बिल्कुल एक बारीक सी लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ आपने बिल्कुल बारीक सी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइनर अप्लाई करने के बाद अब हम अप्लाई करें हैं जी ओपेरा का ब्लू शेड। अंडर आई भी अच्छी तरह से आपने लावर लैश लाइन पर इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है इस तरह के ब्रश के साथ। इसके बाद हम यही वाला पीच शेड जो था हमारा ऑरेंजी पीच शेड, उसको हमने अंडर आई अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम अप्लाई करेंगे जी फेक आई लैशेज। 3D लैशेज मैं यूज़ कर रही हूँ। ये हैं जी मिस रोज़ के ग्लिटर्स। ये ग्लिटर्स भी बहुत अच्छे हैं। मैंने इनकी आंख पर जो अप्लाई किया है वो ये वाला ब्लू ग्लिटर है। ग्लिटर लगाने से पहले मैंने ग्लिटर ग्लू इनकी आईज़ पर लगाई है। आपको जो भी ग्लिटर ग्लू जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनकी आंख पर मैक की ग्लिटर ग्लू यूज़ की है, वो भी बहुत अच्छी है। आप प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लिटर प्राइमर जो होते हैं वो भी, उस पर भी ग्लिटर्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। और आपने ग्लिटर्स जो हैं वो टैप टैप करके ही इस तरह से लगाने हैं, ज़्यादा खींचने नहीं हैं ग्लिटर्स। ग्लिटर लगाने के बाद हम अप्लाई करेंगे जी वाइट काजल। ओपेरा का मैजिक फ्लाई आई वाइटनर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आई वाइटनर बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। वाटर लाइन पर मैंने आई वाइटनर ओपेरा का यूज़ किया है। ये मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ऑसम है। ग्लिटर अप्लाई करने के बाद हम करेंगे जी अपने आईब्रोज़ को फिल। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने ये वाला ब्राउन आईब्रो जेल यूज़ किया है। आप आईब्रोज़ को फिल करने के लिए आईब्रोज़ कलर भी यूज़ कर सकती हैं, आईब्रो जेल भी यूज़ कर सकती हैं, और इसके अलावा आईब्रो शेड्स भी होती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छी तरह से मैंने इस तरह के ब्रश के साथ आईब्रोज़ को फिल कर लिया है और ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ मैं। बहुत नीट तरीके से आप आईब्रोज़ को शेप दें और फिल कर लें। जी व्यूवर्स, आईब्रोज़ हमारे हो चुके हैं जी कंप्लीट। और ब्रो बोन और इनर कॉर्नर को मैंने ऑफ कैमरा हाईलाइट कर लिया था। आप कोई भी हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं ब्रो बोन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए। आज का हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है जी। मेकअप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।